हाय एवरीवन, वेलकम टू द केपी संत न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ये है दादरी गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो देख सकते हैं ये है दादरी की अनाज मंडी। तो ये आपको बता दूँ, ये है मोजी यानी कि धान चावल, जितके चावल बनेंगे वो ये मूजी है। अब खेतों में आ रही है, खेतों से आ रही है, अब पक चुकी है, यही सीजन चल रहा है अभी। तो आपको बता दूँ इसका अभी रेट है 2000 से 3000 के बीच में। जैसी मूजी होगी, जैसी मतलब कि इसका पका हुआ बीज कैसा है, अच्छा है, उसी हिसाब से इसके रेट भी हैं। तो 2000 से 3000 रुपये के बीच में दोस्तों पर क्विंटल, और जो कटता है वो अलग है, थोड़ा बहुत ही जुड़ता है। तो देख सकते हैं ये हर जगह इनके ढेर लगे हुए हैं कि कौन से खेत की कैसी पकी हुई है, ये इसी चीज़ का इसमें दाम है। जो अच्छी पकी हुई है, जिसने अच्छा पानी दिया, खाद बीज अच्छा लगाया है, उसकी अच्छी मूंजी पकी है तो उसका अच्छा रेट है। और जिसने ऐवही बस हल्का फुल्का के पानी लगा के छोड़ दिया बस छुट्टे और कुछ नहीं किया, तो उसकी उसी टाइप की, तो इसी है हिसाब के रेट है। तो देख सकते हैं ये दादरी की मंडी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं दादरी की मंडी दिखाऊं आप लोगों को, तो मैंने जहाँ तक भी कोशिश करी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया था, मेरे दिमाग में रहता था, क्योंकि मैंने 2-3 ब्लॉक दादरी से रिलेटेड पहले घेरे हुए हैं, पर दादरी की नवीन मंडी का नहीं था, अनाज मंडी का नहीं था। तो वो भी अब आ रहा है आप लोगों के बीच में, तो मुझे बताना। तो ये एक तो ये दादरी मंडी का है, और दूसरा ब्लॉग और इसी में दूसरा पार्ट है गोविंदपुरम गाजियाबाद मंडी का। तो देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसा है। वीडियो के माध्यम से अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भीड़ ज़्यादा कहाँ पर है, दादरी वाली मंडी में है या गाजियाबाद वाली मंडी में। गाजियाबाद गोविंदपुरम अनाज मंडी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो देख सकते हैं तस्वीर। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के बीच में दोस्तों कंटिन्यू आते रहेंगे। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं मूंजी, बहुत ज़्यादा मूंजी आ रही है, क्योंकि यहाँ आउट एरिया पड़ जाता है तो यहाँ पर किसान लोग ज़्यादा हैं, मतलब कि गांव देहात के ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम है। और आपको बता दूँ ये आगे लगती है सब्जी मंडी, जैसे गेट के अंदर बढ़ेंगे तो एक गेट पे तो सब्जी मंडी है और दूसरे गेट पे अनाज मंडी है जो कि अंदर की साइड है। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबी, ज़्यादा तो बड़ी नहीं है मंडी, छोटी सी ही मंडी है, लेकिन इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है, बहुत ज़्यादा अभी आवाजाही है किसानों की तरफ से, क्योंकि मूंजी आ रही है उनकी। अब मूंजी के बाद तुरंत इसमें गेहूं बो दिए जाएंगे तो इनकी गेहूं की फसल हो जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं ये आ चुका है गेट गोविंदपुरम अनाज मंडी का, ये इस टाइप का है, क्योंकि अभी ये नाला बना है तो सही से बन नहीं पाया है। तो ये आपको बता दूँ ये गोविंदपुरम अनाज मंडी ये सबसे बड़ी अनाज मंडी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है कि इधर बस गेट के पास में ही ये ज़्यादातर चावलों का काम है, ये टोटल चावलों से रिलेटेड है। और अंदर वो थोक विक्रेता हैं जो कि किसान से डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट देते हैं वो हैं। तो ये चावलों का, और इसमें दालों से रिलेटेड ये इधर की साइड है, ये देख सकते हैं ये रास्ते जिस पे चल रहे हैं वो राइट हैंड की साइड में है दोनों रास्ते, और इसके हम लेफ्ट में रहेंगे तो ये थोक विक्रेता वाले हैं, देख सकते हैं तस्वीर है आप लोग।
और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में मैं कंटिन्यू लाता रहता हूँ, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ। और थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।